अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अभी हम हैं मोरे वाली ब्रिज पे। जैसा कि आप सबको पता है कि सैलाब आया हुआ है, फ्लड जो है हर तरफ है। ये मैं आपको दिखाता चलूँ, ये मोरे वाली बहुत ही मशहूर ब्रिज है जो दादू को और मोरो को आपस में कनेक्ट करती है, बाईपास और इंडस हाईवे को भी ये कनेक्ट करती है। ये फ्लड इफेक्टेड जो लोग हैं उन्होंने अपनी यहाँ पे कैंप्स लगाई हुई हैं, ये आप देख सकते हैं। इसको सिंधी में कच्चे का इलाका भी बोलते हैं। जब भी फ्लड आता है तो सबसे पहले ये कच्चे का इलाका जो है वो ज़ेरे आब आता है, उसके बाद ये लोग जो हैं वो कच्चे के रहवासी हैं। ये कच्चा है, यहाँ के रहवासी हैं जो पानी आने के बाद ये ऊंचाई की तरफ बढ़ते हैं और रोड पे अपनी पनाह कर लेते हैं। ये देखें आप, ये वो पनाह गुजीर हैं जो अलग अलग जगहों से नकल मकानी करके इधर रोड पे ऊंचाई वाली जगह पे आके अपना बसेरा किया हुआ है। अभी हम चल रहे हैं मोरो की ब्रिज पे जो तकरीबन 3 किलोमीटर तक मोरो की ब्रिज बनी हुई है। और ये आप स्केप देख सकते हैं, इसको बंद बोलते हैं, बचा बंद। ये है मोरो की ब्रिज। एराजी देख सकते हैं कि ये कितनी बड़ी एरिया है जो इफेक्ट है। इस वजह से बहुत सी जरूरियाती जिंदगी जो है वो भी लोगों की। साइड है पानी की और ये भी बचा बंद आप देख सकते हैं। पानी की रफ्तार देखें, यहाँ से पानी स्मूथली अभी समंदर की तरफ जा रहा है। और यहाँ पे बारिश का पानी जो है उसने भी तबाह कार्य किए। ये मशहूर मोरो की ब्रिज है, अभी हम आपको और आगे ले चलते हैं। ये है कच्चे का इलाका, ये देखिए कितना पानी है, जहां जहां देखें आप पानी पानी है। बना रहे थे रहने के लिए। पानी की शिद्दत और
तबाहकारी आप देख सकते हैं। ये देखें कितने पनाह गुजीर यहाँ पे बेयारों मददगार बैठे हुए हैं। अल्लाह पाक करे कि हुकूमत की तरफ से इनके पास कोई इमदाद आए। जहाँ तक मैंने सुना है कि अभी तक कोई रसाई स्टार्ट नहीं हुई। किन किन इलाकों में हुई है जहाँ पे जो मेन एरियाज़ हैं, लेकिन ये जो है इंटीरियर साइड है, यहाँ पे रसाई बहुत ही कम हुई है। लेकिन एनजीओज़ भी काम कर रही हैं, काफ़ी कुछ जो लोग हैं वो अपने पर्सनल एफर्ट्स भी लगा रहे हैं, यहाँ पर लोगों की मदद कर रहे हैं। ये एरिया है जहाँ देखें पानी पानी, ये राइट साइड है और ये लेफ्ट साइड है, पानी पानी है, पानी पानी। जुड़े रहिएगा हमारे चैनल के साथ, हम आपको और भी जो है दिखाएंगे आगे के मनाज़र।